दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक्सेल वर्कशीट के अंदर मार्कशीट यानी कि जो हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की यानी कि कक्षा 10 या कक्षा 12 की जो मार्कशीट होती है उसको उसका प्रोसेस कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। आज हम आपको वही बताएंगे, जैसे कि आपको ग्रेड निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है। ये हम आपको क्या करेंगे आज एक्सेल वर्कशीट के अंदर सिखाएंगे, ठीक है। मार्कशीट बनाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, और एक्सेल स्टार्ट करने का तरीका तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया था, शॉर्ट तरीका भी बताया आपको, और थोड़ा सा अनशॉर्ट तरीका यानी कि जो आपको स्टार्ट बटन से जाके ओपन करना होता है वो भी तरीका हमने क्या किया है कि बता दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। आज हम आपको बताएंगे एक्सेल वर्कशीट के अंदर मार्कशीट बनाना, मार्कशीट कैसे बनाया जाता है वो चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो एक्सेल वर्कशीट यानी कि जो हमारा एक्सेल है वो ओपन किए हैं हम, अब आपको बता रहे हैं सबसे पहले हमको करना क्या है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके दो सेल एक साथ या तीन सेल एक साथ सेलेक्ट करके ऐसे लेके जा सकते हैं, जितना दूर तक ले जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं, क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका मर्ज हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट डिज़ाइन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में फिर इसको क्लिक करके आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रैम है थोड़ा सा कम है और जो सॉफ्टवेयर्स मैंने ज़्यादा इसको इंस्टॉल कर दिया है इसलिए, ठीक है। मार्कशीट डिज़ाइन, ठीक है, ऐसे हम क्या किए कि इसको लिख दिए। आप चाहे तो आप यहाँ पे फिल बकेट पे क्लिक करके आप इसका कलर भी रेंज ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा गया यहाँ से आप उस टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक को छोड़ देना है, और यहाँ से क्या करना है कि अब यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना क्या है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे दे देना है क्या नेम देना है, ठीक है, क्योंकि नेम ऐसे देना है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर होगा, ठीक है, रोल नंबर होगा, ठीक है, मार्कशीट नंबर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी है, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि मैथ है, है ना, मैथ है। उसके बाद क्या नाम है कि आपका मैथ के बाद क्या नाम है कि साइंस है, साइंस, SCIENCE साइंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री है, ठीक है, CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप चाहे तो आप इसमें ड्राइंग लिख सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग के बाद आप सोशल साइंस लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं पढ़ना पड़ता है, इंटरमीडिएट में 5 ही होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग क्लास के होते हैं, ठीक है। अगर आर्ट साइंस से आप आर्ट मतलब कला वर्ग से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, मैथ्स नहीं होता उसमें, और साइंस भी नहीं होता है, केमिस्ट्री भी नहीं होता है, इंग्लिश होता है उसमें, क्या नाम है कि आपके हिस्ट्री हो जाते हैं, ठीक है, जियोग्राफी हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप इसमें थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मेरी बहुत हाई नहीं है लेकिन फिर भी उतना लो नहीं है जितना मैं आपको बताना सकूं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टोटल, ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पे लिखना है, टोटल नंबर डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिख लेना है परसेंटेज, या फिर परसेंटेज का सिंबल भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं परसेंटेज, ठीक है, सेंटेज परसेंटेज लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड लिखना है, ठीक, ग्रेड के बाद यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे लिख देना है मीन, मीन का मतलब मिनिमम, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है कि लिख लेना है, ठीक है, काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है। और इसको क्या करना है कि सेट भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी ढंग से आपका सेट भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से खिसका खिसका के, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब दो तीन लोगों का 5-6 लोगों का हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो जैसे मार्कशीट होता है तो किसी एक ही बंदे का नाम होता है, ठीक है, एक ही बंदा उसमें रहता है, उससे अधिक तो कोई रहता नहीं है उसमें, एक ही बंदा उसमें रहता है, उससे अधिक रहता नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब मार्कशीट के अंदर यहाँ तो हम बहुत सारे लोगों का बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि अनीता, ठीक है, अनीता, ठीक है, यहाँ पे मनीष,
ठीक है, ठीक यहाँ पे जय, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नेहा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं आलोक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संजय, ठीक है, संजय, और यहाँ पे नीलेश, ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आपके, आपको मर्जी, जो मर्जी करे वो लिखिए। रोल नंबर यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, अभी तो रोल नंबर आपका जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं समझने के लिए कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 45, 12, 13 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 46, 12 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 12, 13 है ना, ऊपर लगता है ज़्यादा कम है, 45, 12, 13, 4 ठीक है, यहाँ पे 46, 12, 13, 5 ठीक है, और यहाँ पे 47, 12, 13, 6 ठीक है, और यहाँ पे 48 ऐसे रोल नंबर प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो भी नंबर हमें प्रोवाइड करना है रोल नंबर अपने मर्जी से प्रोवाइड कर सकते हैं, बीच में 0 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, 47, 48 जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। हिंदी में आप उसका नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 88 पा गया, ठीक है, दूसरा क्या पा गया, 66 पा गया, तीसरा मान लीजिए कि 52 पा गया, ये मान लीजिए कि 46, इसको मतलब कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम ऐसे ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, और जब आप अपना बनाएंगे तो आप उसको अच्छे ढंग से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि 94 डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि मैथ में यहाँ पे डाल दे रहे हैं, या तो क्या नाम है कि 89 डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद फिर 89 डाल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे है ना, और फिर उसके बाद नीचे हम क्या करते हैं कि 68 डाल दे रहे हैं, 68 के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 58 डाल दे रहे हैं, 58 के बाद मान लीजिए कि 55 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 70, और यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे डाल दे रहे हैं कि 45, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 70, 77, 66 ठीक है, 56 ठीक है, 58 और 60 ठीक है, और नीचे भी हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे 88 है ना, 54 ठीक है, ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको नंबर को दे सकते हैं, ठीक है, तो नंबर अपने मर्जी से जो भी समझ में आए, बाकी आप जब अपने में फिल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अच्छे ढंग से क्या करेंगे कि फिल कर लेंगे जो समझ में आएगा आपको ऐसे, ठीक है, इतना कम नहीं देंगे कि जिससे प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 60 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 70 कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से 48 कर दे रहे हैं। अब हमको टोटल नंबर निकाला तो इक्वल लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे और कोष्टक लगाएंगे और इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है, इंटर मारेंगे तो ये हमारा 456 नंबर निकल के आ गया, ठीक है, इंटर मार लेते हैं, 456 नंबर निकल के आ गया, ड्रॉ करेंगे तो सबका निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखिए सबका निकल के आ गया बिल्कुल आसानी से, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं, ये बीच में चला जाएगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो सब्जेक्ट गिन लेंगे, कितना सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। चलिए हम यहाँ से इक्वल लगाते हैं, अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या नाम है कि इसको क्या नाम है कि परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है परसेंटेज, 5 से भाग देना है ठीक है, 5 सब्जेक्ट है 5 से भाग देना है ठीक है। यहाँ से इंटर प्रेस देखिए करेंगे तो आपका 91% निकल के आ जाएगा, और ड्रॉ करेंगे यहाँ से आपका क्या हुआ कि देखिए सबका निकल के आ जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात ये हमें देखना है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है तो वहाँ पे 600 से भाग देंगे, यानी कि 6 से भाग देंगे, वैसे भी 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स लेवल से देखा है तो 0 का बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, लेकिन उस तरीके से देखा है तो नहीं होता है, ठीक है, जब मैथ के रूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेड निकालना, हमें थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला कुछ ज़्यादा लंबा टाइप होगा, ठीक है। तो इक्वल इक्वल लगाएंगे, यहाँ से इफ़ लगाएंगे, ठीक है, इफ़ के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है कि सेलेक्ट करेंगे, हमको 91% यानी कि जो अनीता है इनका चेक करना है कि ग्रेड कितना है, ठीक है, हमको इसको सेलेक्ट करना है ऐसे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि ग्रेटर देन लगाना है, उसके बाद क्या नाम है कि इक्वल लगाना है, उसके बाद 90 लिखना है, ठीक है। 90 लिखने के बाद हमको सिंगल कामा और फिर डबल इन्वर्ट कामा, यहाँ पे ए और यहाँ पे प्लस, ठीक है, ए प्लस ग्रेड, ठीक है, ये लगाना है,
ठीक, इसको कोष्टक में कर देना है और सिंगल कामा लगाने के बाद हमको फिर इफ़ लिखना है और फिर क्या नाम है कि कोष्टक लगाना है। ठीक है, देखिए कोष्टक लगाएंगे, अब हमारा ये क्या नाम है कि चेक होगा। ठीक है, यहाँ से है ना, तो अब इसके बाद फिर हमको यहीं पे क्या नाम है कि सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन लगाना है और इस बार हमें क्या लिखना है कि 80% लिखना है, 80 इक्वल नहीं लगा, देखिए इक्वल लगाना है, 80% लिखना है, 80%। ठीक है, यहाँ पे डबल इनवर्ट कामा, अब इसका ए ग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब इसके बाद लगाते हैं इफ़ और फिर यहाँ से कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, और फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को और फिर ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे हमको लगाना है 70। ठीक है, कामा, ठीक है, और यहाँ से डबल इनवर्ट कामा और यहाँ से लगाना है बी ग्रेड। ठीक है, और फिर यहाँ से कामा और फिर हमको लिखना है इफ़ और फिर लगाना है कोष्टक। ठीक है, और हमको फिर इसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल 70 हो गया। अब हमें 60 लगाना है क्योंकि कोई 60% पा सकता है, 61, 62, 63 ऐसे पा सकता है ना, 70 भी पा सकता है, 72 भी पा सकता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो हमको कामा, डबल इनवर्टेड कामा और उसके बाद सी लगाना है। ठीक है, सी ग्रेड देना है उसको जो 60 पाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ लगाना है, फिर कोष्टक लगाना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल इस बार 40 लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे 40 का डी ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि इफ़ लगाना है फिर। ठीक है, इफ़ लगाने के बाद ठीक कोष्टक लगा लेते हैं, यहाँ पे फेल लिख देते हैं। ठीक है, फेल कामा लिखने के बाद लिखते हैं फेल, कोष्टक नहीं लगाएंगे। ठीक है, फेल। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कोष्टक बंद करना है, तो बंद करते जाइए कोष्टक, जितना भी आपका होगा बंद होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया, इंटर मारेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ग्रेड देखिए फार्मूला एक बार F2 दबा के रीड कर दे रहे हैं, आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए है ना, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब इंटर दबाएंगे, देखिए आपका निकल के आ जाएगा है ना, क्योंकि वो 90 के बाद 91, 92 तो ये आपका ए प्लस ग्रेड ही आएगा ना, तो उसके बाद आपका यहाँ से ड्रा करेंगे, देखिए सबका निकल के आ जाएगा, बीच में कर ले रहे हैं। ठीक है, बीच में कर ले रहे हैं, देखिए ये 60 का, देखिए हम लोग क्या लिखे, 60 का सी ग्रेड लिखे, तो सी ग्रेड दिया है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि 40 का डी ग्रेड, यानी 41, 42 ऐसे जब तक कि वो क्या नाम है कि 60 तक नहीं पहुँचता तब तक सी ग्रेड कहाँ से पाएगा, नहीं पाएगा, तो इसलिए ये 59 है, तो 59 का ये डी ग्रेड दे दिया है। अब मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में पाया है, तो यहाँ से इक्वल लिख के मैक्स लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बता देगा कि क्या नाम है कि मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में पाया है। ठीक है, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, ऐसे आप इसको लगा के इक्वल लगा के यहाँ से मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम मतलब अधिक होता है। ठीक है, ये देखिए इसका सबसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, तो शायद वैसे ही क्रम से सेट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, क्रम से क्या हुआ कि आपका सेट होगा 344 सबसे ज़्यादा, उसके बाद है नहीं या नहीं ना है इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम। ठीक है, MIN मीन लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, सबसे कम नंबर जो पाया रहेगा जिस सब्जेक्ट में वो आपका दे देगा, या फिर इसमें चेक करेंगे जो जिसका सबसे कम नंबर रहेगा तो वो ला के दे देगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिनिमम मैक्सिमम ग्रेड परसेंटेज और टोटल क्या हुआ कि मार्कशीट के अंदर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।